बाबा से खा ले रहे हैं। अरे बताइए, जाने वाले के आखिर में ओघड़ बाबा होते क्या हैं? लगे मैं बैठ जाऊंगा उसी जगह जहां लाहा जलती है, पहचान लोगे कि ओघड़ी कौन होते हैं। बताइए, आपके गले में आप हड्डी वगैरह टांगे हुए हैं, क्या है ये सब? अभी मिल जाएगा, अभी मैं खा लूंगा। ला को कोई भी चीज रखो, अगर ना खा के दिखाओ। देखिए, ये मुखौटा था जो कि टूट गया है, तो दूसरा कहने ले घूम। आदमी घर में बीमार होता है तो पहले ओझक लगे दौड़ना चाहिए, ओझक लगे इंसान नहीं जाता है उसको। तीर्थराज प्रयागराज, प्रयागराज को तीर्थों का राजा माना जाता है और इसमें माघ मेले का आयोजन इसमें चल रहा है और तमाम ऐसे बाबा, विचित्र विचित्र तरह के बाबा आपको देखने को मिलेंगे। और इसी भी देखे हमारे साथ एक ऐसे बाबा मिले जो कि अपने आप को ओघड़ बाबा बता रहे हैं। अब इन्हीं से हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर में ओघड़ बाबा होते क्या हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ओघड़ होते हैं जो कि जहाँ पर लाश वगैरह जला जाता है वहाँ रहते हैं, मांस खाते हैं या फिर किस प्रकार का, ये सब चीज़ें हम इन्हीं से बात करने वाले। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार सिंह मसानी, ओघड़ बाबा। अच्छा, ये बताइए कैसे कोई जानेगा कि आप ओघड़ बाबा हैं? हम लाश के लगे मैं बैठ जाऊंगा उसी जगह जहाँ लाश जलती है, पहचान लोगे कि ओघड़ी कौन होते हैं। ओघड़ का यही पहचान है? क्या खाते हैं ओघड़? पहले मैं अपना पेशाब पीता हूँ, फिर उसके बाद गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं, फिर मुर्दा खाते हैं जो लाश जलती है। नरियर खोसा हुआ लाश को अपने हाथ से मैंने निकाल के खा लेता हूँ, एक ठवर। सेब केला अनार जितना चढ़ेगा, फूल तलक नहीं छोड़ता हूँ। गद्दा रजाई जूता चश्मा हड्डी खोपड़ी सब मैं इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, मैं डराता नहीं हूँ मिल्टो भर के लिए। हाँ, चाहे 10,000 लाश हो, चीर घर में कहोगे चीर घर में बाबा घुसूर जाएंगे, मैं कपड़ा नहीं बांधूंगा। अपने हाथ से कहोगे तो मैं कफन बांध दूंगा। अच्छा, चलिए बताइए, आपके गले में आप हड्डी वगैरह टांगे हुए हैं, क्या है ये सब? इसमें रुद्राज की माला है। हाँ। तुलसी की माला है। तो क्या घोरी भी रुद्राज पहनते हैं क्या? हाँ। अच्छा, और ये हड्डी वाली जो माला है, ये जो पार्वती थी। हाँ। वो सारे ओघड़ से पूछे कि इसको तुम लोग ओघड़ बाबा ने क्या करते हो? ओघड़ बाबा ने बोले कि इसको काट के मैं माला पहनता हूँ। अच्छा, ये पार्वती का सिर है। हाँ। रुद्राज। और बताइए इसके बारे में, ये सब आप ये लिए हैं, इसमें क्या भोजन वगैरह इसी में करते हैं क्या? करते हैं, अभी मिल जाएगा, अभी मैं खा लूंगा। ला को कोई भी चीज रखो, अगर ना खा के दिखाऊं। कौन देता है आपको खाना? हमको देते हैं जो जनता लोग यहाँ नहाने आ रहे हैं, उन्हीं लोग। कोई चुरमुरा देते हैं, कोई जूस पिलाता है, कोई पूड़ी देता है। डुल्लुम दिखाओ, डुल्लुम दिखाओ। देखो बाबा के लिए भोजन मिला है, अचार और रोटी अभी। अच्छा, अब कहो तो इसी में धर के मैं खा लूंगा। चलिए, वो तो मान गए, आप कह दिए तो मान लिया जाएगा। और ये वाली कैसी हड्डी? ये वाली यही का है। थोड़ा का पकड़ लो, बाबा सहायक लेकर चलते हैं, देखिए। ओम नमः शिवाय। अच्छा, ये मुंह था क्या, टूट गया है, क्या बात है? देखो। ये देखिए, मुखौटा दिखाइए। देखिए, ये मुखौटा था जो कि टूट गया है, तो दूसरा कहने ले घूम रहे हैं। अरे दूसरा क्या करेंगे, हमको लोग को एक ही बहुत है। ये किसका मुख है? ये मनई का है। अच्छा, कब से लेके घूम रहे हैं गले में? इसको हो गया एक महीने। अच्छा, इससे भयंकर एक और पाया था। उसको पहन के आने लगे तो मेरे बाबू लोग बोले, गंगा माई बाबू लोग बोले कि बेटा इसको लेके वहाँ मत जाओ ना, बच्चा देख के डराएंगे। त्रिशूल से खोचा तो उसमें मांस थोड़ी थिंकनी, माछी भिनकने लगी। बड़ा बड़ा दांत, निकूरा एकदम बना बनान, आँख एकदम घुसरी घुसरान, इतना था वो। उतना बड़ा जबड़ा था, इतना जबर बाधे में बांध के लेके आ रहे थे बाबा। तो कौन मना कर दिया आपको लाने से? घाट वाले ने। अच्छा, चलिए देखिए, यहाँ अघोरी बाबा, अघोरी बाबा गले में टांगे हुए हैं हड्डी के कपाल। और इसको बदलेंगे कि यहीं लेके घूमेंगे इसको? नहीं बदलेंगे, नहीं बलपुर और पास जाएंगे, कहीं और उठा लूंगे। हमको जनाई नहीं जनाती। अब लो तुम्हारा कहना है, थोड़ा बाबा से खा ले रहे हैं। अरे बताइए, देखिए तो खा जा रहे हैं हड्डी ही, देखिए। अरे क्या बात है, देखिए ये ओघड़ बाबा हैं, इसीलिए कहते हैं ओघड़ बाबा ने। चलिए देखिए, ओघड़ बाबा हैं, शंख वगैरह बजाते हैं क्या? हाँ, शंख भी बजाते। बजाइए। जय भोले।
अच्छा ये बताइए बाबा, आप लोग पूजा करते हैं मसान बाबा का? हाँ। तो मसान की होली में जाते हैं बनारस? जाते हैं। हाँ। अभी बनारस दो चक्कर मार के आया। अच्छा। अब तैयारी है, भंडारा होने वाला है चित्र वहाँ अयोध्या की। हाँ। तो जाएंगे अब उसमें सारे बाबा जाएंगे। अच्छा। उसमें पता लग रहा है 5,000 रुपए मिलेगा। अच्छा। आप लोगों को? हाँ। क्या बात है। बाकी और जो जाएगा उसको 150 मिलेगा। अच्छा। अघोरियों को 5,000? अघोरियों को 5,000, इन लोगों को 5,000। अच्छा। जितने संतन है सब 5,000 रुपए वहाँ मिलेगी। अच्छा। 22 तारीख को। हाँ। कौन देगा? हाँ? कौन देगा? मोदी साहब आ रहे हैं। रुक जाइए रुक जाइए। चलिए ये बताइए कि आप लोग पूजा बाबा मसान की करते हैं और कुछ बताइए, कुछ बताइए, कुछ मंत्र वंत्र आता है आपको? मंत्र, लड़का बीमार हो, नजर लगी हो, भैंस बीमार हो, गाय बीमार हो, औरत बीमार हो, मर्द बीमार हो, कहावत कहा है कि आदमी घर में बीमार होता है तो पहले ओझक लगे दौड़ना चाहिए, ओझक लगे इंसान नहीं जाता है, उसको दिमाग नहीं काम करता, सीधा डॉक्टरी भागता है। ओझा मांगता है 5,000 और अवघड़ बाबा मांगते हैं 2,500 रुपये, जेबम सेक नहीं करती। कमला नेहरू डॉक्टर ने 300 रुपया फीस, 20,000 एडवांस, 70-80,000 खींच पाएन तो बाहर की दवाई लिखी है, कहीं जा लेता हूँ, वहाँ से आओ भैन जहाँ उठ बैठ ले तहाँ खराब खून चढ़ा दही ना जा रहे सुई आल मलोल में जान जाए, धर्म हो जाए धर्म हो जाए, अब बाबा खाइए मरी मुर्दा की लहास। सही बताइए, जब आप ही लोग जब इलाज करने लगे तो पूरा हॉस्पिटल बंद हो जाएगा तब तो। तो इसलिए तो कह रहा हूँ दिमाग नहीं आदमी काम कर रहा तो मैं लोग क्या करूँ। हाँ। हमको लोग को दे ही नहीं पा रहे हैं तो जाइए गिनिए वहाँ जितना रुपया बाढ़ी हो, बाढ़े बाद ये 4 क्विंटल लकड़ियों लागत है, 8-9 हज़ार बसों तो वाला। आप डॉक्टर डॉक्टर को चैलेंज कर रहे हैं? 2,500 पन पियाऊ में दे थे, ओकरे बाद ये दानों करें, फिर ओकरे बाद ये 4-5 हज़ार करमट का होता है। तब फिर एक दिन सूदक, एक दिन बैठक, तेरह दिन तेरही टेंट करा, जगलेटर करा, 1,00,000 रुपया। नहीं तो आपके कहने का मतलब है डॉक्टरी ना जाए आपके यहाँ में तब? हम इसको नहीं कह रहे हैं। जिसको घर में बीमार हो उसको सोचना चाहिए कि हमारे थोड़ा में काम हो जाए तो ज़्यादा ठीक है, काहे हम 1,00,000-2,00,000 गंवाएं? तो उसके बाढ़ी है तो जाए के गंवाएं, हम लोग नहीं भेजते हैं। अच्छा। चलिए देखिए हमारे साथ थे अघोरी बाबा, कुछ संदेश देना चाहेंगे आने वाले हैं माघ मेले में तमाम भक्त, कहाँ मिलेंगे उनसे? पूरे व्यापार से व्यापार तक हम लोग टहरते रहते हैं। हाँ, कहीं भी मिल जाएंगे। रात भर हम लोग बैठते नहीं है। 3 बजे रात में नहावन होता हमारा लोग का। अच्छा। अब बस आराम से वो क्या कहते हैं भागवत पंडालन में सब सुनवाते हैं। मेरे गुरु ने आ रहे हैं गोपाल दास सिंह, जिसका कि मशीन की रोटी बनती है, अब गैया 10-15-20 ठी रखे हैं, प्यास पंखक नीचे सुखा रही है अयोध्या में, उन्हीं मेरे गुरु ने आ रहे हैं। अच्छा। एक नंबर पुले पे उनका गेट लग गया, टीना लग गया। चलिए मतलब घूमते हुए नजर आएंगे नित्य गोपाल दास जी के यहाँ, ये भोजन करेंगे और अगर देखिए तमाम लोग आएंगे तो उसमें दान भी देते हैं, देखते हैं। हाँ, 10-10 रुपया 20-20 रुपया दान भी देते हैं। बाकी मैं प्लस उसमें भोजन करता हूँ तो जो आटा पाए रहते हैं चावल उनके लगे रख देता हूँ, 40-50 रुपए दे देते हैं, दूसरे तीसरे खाता हूँ उनके पंडाल में ना अपना मांग मांग के अपना खाते। चलिए देखिए ये तो हमारे साथ अघोरी बाबा जुड़े हुए थे और ऐसे ही चित्त विचित्र बाबाओं से हम आपको मिलाते रहेंगे, चूंकि हम लोग इसमें प्रयागराज तीर्थराज प्रयागराज में, तो ऐसे और भी बाबा मिलेंगे तो उनसे भी रूबरू करवाएंगे। आप भी अघोरी हैं क्या? अरे हम लोग तो बाबा हैं। बाबा हैं। देखिए इनका ये देखिए लाठी किस ये किस प्रकार का डिजाइन आप बनाए हैं? डिजाइन नहीं, ये खुद ही बना था। अच्छा। हाँ। चलिए माघ मेले प्रयागराज में आइए और इन बाबाओं से थोड़ा बच के रहिएगा। कहो बाबा। बचना क्या है बेटा, नान नान बच्चा हमारे लोग नहीं डराते हैं तो वो क्या डराएंगे। चलिए अगर इनको झाड़ फूक करवाना है तो इनसे मिल सकते हैं और भी तमाम ऐसे बता रहे हैं जो योजनाएं, अगर इनसे आप संतुष्ट हैं तो करिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप हॉस्पिटल ही जाइएगा। चलिए ऐसे ही और भी हम तमाम बाबाओं से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल मैं प्रवीण माघ मेला प्रयागराज से, बहुत बहुत धन्यवाद।